योगी सरकार प्रदेश के लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति की सटीक आकलन के लिए परिवार कार्ड बनाने जा रही है। ये कार्ड आधार से लिंक होगा। एक परिवार को कम से कम एक रोजगार की दिशा में ये कार्ड बड़ा कदम साबित होगा। परिवार कार्ड बनने तक राशन कार्ड को ही आधार माना जाएगा। संकल्प पत्र में अगले 5 सालों में एक परिवार को कम से कम एक रोजगार देने का संकल्प लिया गया था। इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। सरकार विभिन्न योजनाओं और रिक्त पदों पर भर्ती करके इसे पूरा करने में जुटी हुई है। इसके लिए सरकार को प्रदेश में सभी परिवारों की सामाजिक और रोजगार संबंधी स्थिति की जानकारी आवश्यक है। योगी सरकार इसके लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार सभी परिवारों का कार्ड बनाने जा रही है। इस कार्ड में परिवार के बारे में सभी जानकारियां दर्ज होंगी। परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी उम्र कितनी है, कौन कौन नौकरी करता है या रोजगार से जुड़ा हुआ है, ये सभी जानकारियां दर्ज होंगी। परिवार कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। इस आधार पर सरकार के पास सटीक जानकारी होगी कि किन परिवारों में एक भी व्यक्ति रोजगार से नहीं जुड़ा हुआ है, परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है। इस आधार पर सरकार अपनी विभिन्न रोजगार योजनाओं से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये योगी सरकार का बड़ा कदम साबित होगा। जब तक लोगों का परिवार कार्ड नहीं बन जाता, तब तक राशन कार्ड को ही आधार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा हो गई है। हाईटेक हुई व्यवस्था के बाद सदन की कार्यवाही नए लुक में नजर आएगी। विधायकों और मंत्रियों के हाथ में अब कागज देखने को नहीं मिलेगा। पूरी कार्यवाही पेपरलेस हो गई है। सदस्यों के सवाल और मंत्रियों के जवाब टैबलेट पर प्रदर्शित होंगे। इसके लिए सदन के सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। विधानसभा सत्र से पहले सभी सदस्यों और विधानसभा तथा सचिवालय के अधिकारियों का ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की गैलरी के सौंदर्यीकरण कार्यों और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र के लोकार्पण के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना के साथ हाईटेक विधानसभा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने अधिकारियों से ई विधान सिस्टम की जानकारी प्राप्त की। ई विधान लागू होने से अब सदन के सदस्य अपने पासवर्ड अथवा फिंगरप्रिंट के जरिए टैबलेट का संचालन कर सकेंगे। टैबलेट पर ही सदन की कार्रवाई का एजेंडा उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की तरफ से पूछे जाने वाले सवाल और सरकार की ओर से दिए जाने वाले जवाब भी टैबलेट पर ऑनलाइन प्रदर्शित होंगे। विधानसभा सत्र से पहले सदन के सभी सदस्यों के अलावा विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को शुक्रवार से ई विधान का ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण नेवा सेवा केंद्र से दिया जाएगा। नेवा सेवा केंद्र में आधुनिक कंप्यूटर के साथ प्रशिक्षण और संचार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी। गौरतलब है कि योगी सरकार अपने संकल्प पत्र में एक परिवार और एक रोजगार के वादे को पूरा करने के लिए परिवार कार्ड बनाएगी और इसे आधार कार्ड से भी जोड़ेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।